गुड मॉर्निंग बच्चों, ये कक्षा 8 गणित का वीडियो भाग 5 है और आज के इस वीडियो भाग में हम प्रश्नावली 1.1 के सवालों को हल करेंगे। तो आपका जो पहला सवाल है उसकी सूचना दी गई है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमने इसके पहले के वीडियो में संख्याओं के कुल 4 गुणधर्म पढ़े थे, उन्हीं गुणधर्मों का उपयोग करके हमें इन सवालों को हल करना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस सवाल में कुल 3 पद दिए हुए हैं और इन तीनों पदों में जो सामान्य चीज़ है वह 3/5 है, जो प्रथम पद और तृतीय पद में है। तो हम प्रथम पद और तृतीय पद को एक दूसरे के समीप लाएंगे, अर्थात तृतीय पद को हम प्रथम पद के समीप लाएंगे, अर्थात उनके क्रमों का बदलाव करेंगे। और जब हम किसी संख्या का क्रम बदलते हैं तो इसी गुणधर्म को हम क्रम विनिमेयता कहते हैं। तो हमने क्रम विनिमेयता का गुणधर्म का उपयोग करके हमने तृतीय पद को प्रथम पद के समीप लाया। आप देख सकते हैं, 2/3 × 3/5 √3/5 × 1/6 / 5/2। अब इन दोनों पदों में से हम सामान्य संख्या 3/5 उसको बाहर ले लेंगे, तो इन दोनों पदों में जो शेष बचेगा उसे हमें कोष्टक में लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3/5 यदि बाहर निकल गया तो -2/3 बचा, तथा हमने ऋण का चिन्ह लगाया और इस दूसरे पद में से 3/5 बाहर गया और 1/6 हमने कोष्टक के अंदर रखा। तृतीय पद हम वैसे ही रखेंगे। अब अगले चरण में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो परिमेय संख्याओं का घटाव करना है, और जब दो परिमेय संख्याओं का घटाव करना हो तो हम लसा पर निकाल के करते हैं, जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। तो इन दोनों संख्याओं का लसा 6 होगा, तो यहाँ हम 3 को हम 2 से गुणा करेंगे तो इसे हम 6 बना पाएंगे, तो इसलिए हमें 2 का भी गुणा 2 से करना, दो संख्या दो से करना पड़ेगा। तो 2×2=4, हम यहाँ -4 लगाएंगे। और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जितना हमारा लसप है उतना ही इसका हर है, इसलिए यहाँ पर हम 1 से गुणा करेंगे 6 का। तो उसी प्रकार हमें अंश में भी 1 से गुणा करना होगा, तो 1 × 1=1। अब हम अगले चरण में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, और जब दो ऋणात्मक संख्याएं एक दूसरे के समीप लिखी हों तो दो ऋणात्मक संख्याओं को हम जोड़ दिया करते हैं, तथा चिन्ह जो है ऋणात्मक का आता है। तो हमने 4 और 1 को जोड़ा और ऋणात्मक चिन्ह साथ में लगाया, तो √5 हो गया। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच गुणे का चिन्ह है, और जब दो परिमेय संख्याओं के बीच गुणे का चिन्ह हो तो हम उनके अंश तथा हरों को विभाजित कर सकते हैं किसी एक सामान्य संख्या से। तो हमने इन 3 और 6 को हमने तीन संख्या से जो है विभाजित किया है, 3×1=3 और 3×2=6। आप याद रखेंगे कि अंश और हर दोनों किसी एक ही संख्या से विभाजित होने चाहिए, तो 3×1=3 और 3×2=6। उसी प्रकार हमने इन दोनों संख्याओं अंश और हर 5 और 5 को काटा है संख्या 5 से। तो जब आप यह विभाजन करने के बाद अंशों का अंशों से गुणा करेंगे, अर्थात 1 का गुणा 1 से √1 करेंगे तो √1 पाएंगे, तथा इस एक यहाँ पर कटने के बाद 1 बचता है, तो इस 1 का गुणा यदि हम 2 से करें तो 1×2=2, और तीसरा पद हम ऐसे ही लिख देंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि दो परिमेय संख्याएं हैं जिनका जोड़ करना है, तो यहाँ पर हम लसप के माध्यम से इन दोनों का जोड़ करेंगे और हम प्राप्त करते हैं √1 × 5। तथा आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक ऋणात्मक संख्या तथा एक धनात्मक संख्या है, एक ऋणात्मक तथा एक धनात्मक संख्याओं का संख्याएं यदि एक दूसरे के समीप हों तो हम उनका घटाव करते हैं, तथा जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह हम यहाँ लगाते हैं। तो आप 5 में से 1 को घटाएंगे तो आप 4 प्राप्त करेंगे, तथा यहाँ बड़ी संख्या जो है धनात्मक है इसलिए हम धनात्मक का चिन्ह लगाएंगे, तो जो हमें प्राप्त होता है वह 4/2 है। अब हम अंश और हर दोनों को विभाजित कर सकते हैं किसी एक सामान्य संख्या से, तो वह सामान्य संख्या 2 है। जब हम 2 से इसका विभाजन करेंगे तो 2×1=2 और 2×2=4, अर्थात आप पाएंगे 2/1। आप 2/1 को 2 लिख सकते हैं, अर्थात आपका जो हल है वह है 2। इसी गुणधर्मों का उपयोग करके दूसरा प्रश्न भी दिया हुआ है, आप उसे भी हल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।